What's up guys, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हो आलोक टेक। और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ MI A1 की सुपीरियर OS को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो द होम स्क्रीन इज क्वाइट नाइस, लाइक ऑलमोस्ट सेम एज स्टॉक एंड्रॉइड जैसे, बट यहाँ पे आपको टॉप पे गूगल का मतलब लोगो मिल जाता है और उसमें जो है एक्चुअल में वो सर्च बार है गूगल की। यहाँ पे आपको नॉर्मल एप्स मिल जाती है आपकी, यहाँ पे फोन मिल जाता है, सेटिंग्स एंड सुपीरियर OS के वॉलपेपर ऐप है जिसमें ऑलमोस्ट सारी जो वॉलपेपर्स है उनमें सुपीरियर OS की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गूगल कैमरा जो कि काफ़ी अमेजिंगली वर्क करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एंड वीडियो ऑल्सो वर्क और उसमें स्टेबलाइजेशन भी वर्क करती है, तो ये भी अच्छी बात है। एंड वी डू हैव द पोर्ट्रेट मोड, एंड इफ़ यू वॉन्ट द स्टॉक कैमरा तो आप डायरेक्टली उसे फ्लैश कर सकते हो TWRP रिकवरी से, तो आपके फ़ोन में बेसिकली स्टॉक कैमरा भी आ जाएगा। और अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन आपको मिलते हैं नॉर्मल सी चीज़ें, नेटवर्क एंड इंटरनेट, सुपीरियर और सेटिंग्स यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे स्टेटस बार में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जेस्चर ऐड कर सकते हो, नेविगेशन बार को इनेबल कर सकते हो जो कि पिक्सल वाली होती है, एंड यहाँ पे आप पावर मेन्यू को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और नोटिफिकेशन वगैरह को आप यहाँ पे जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाइक कस्टमाइजेशन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कस्टमाइजेशन की चीज़ें जैसे आप अपने फ़ोन को बेटर बना सकते हो। तो अगर हम जाते हैं बैक, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है बैटरी, देन एनिमेशन काफ़ी अच्छी, यहाँ पे 77% चार्ज है फिलहाल। और यहाँ पे आपको बैटरी सेवर देखने को मिल जाती है जो कि एनिमेशन को डाउन नहीं करता। और यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो कब आपकी बेसिकली बैटरी सेवर इनेबल हो जाए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अगेन गोइंग बैक, देन एक्सपेंडेड डेस्कटॉप मिल जाता है यहाँ पे आपको, एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ से आप न्यू नोटिफिकेशन के लिए एम्बिएंट डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हो। डबल टैप टू वेक मिल जाता है, एंड फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम UI थीम को आप चूज़ कर सकते हो, सुपीरियर, डार्क, ब्लैक, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं डार्क, तो जो हमारी पूरी UI है वो डार्क कलर की हो जाएगी, तो हम इसे वापस से चेंज कर लेते हैं लाइट में। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सेंट कलर जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कोई सा भी। एंड बैक आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है नॉर्मल स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड लोकेशन, डिजिटल वेलबींग। एंड अगर हम जानते हैं यहाँ पे सिस्टम में, तो ये रन कर रहा है एंड्रॉइड 9.0 पे, और ये जो रोम है OTA अपडेट्स को भी सपोर्ट करती है। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाता है डेवलपर ऑप्शंस, अबाउट फोन, एंड्रॉइड वर्जन 9.0.0, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 9.0 का ईस्टर एग। यहाँ पे आपको देख सकते हो स्टेटस बार काफ़ी अच्छी है, लाइक मैंने OnePlus के फोन्स जो होते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो बहुत सारे फोन्स, फॉन्ट्स को बेसिकली मैंने ऐसे OnePlus का चूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशन वगैरह को बंद कर देगा। एक्सेंट कलर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो कोई सा भी, एंड यहाँ पे आपको लाइव डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द फर्स्ट लुक ऑफ द सुपीरियर OS ऑन द Mi A1। विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।